चेहरे की झुर्रियों को जड़ से खत्म करेंगे ये सात ब्यूटी टिप्स। एक, त्वचा पर झुर्रियाँ आज नहीं तो कल आने लगती है। झुर्रियों को पूरी तरह दूर नहीं किया जा सकता है और ना ही चेहरे पर झुर्रियाँ आने से पूरी तरह रोका जा सकता है, लेकिन ऐसे कुछ असरदार तरीके जरूर हैं जो झुर्रियाँ आने की प्रक्रिया यानी एजिंग प्रोसेस को धीमा करने में मदद करते हैं। वही कोलाजन बूस्ट करने वाली चीज़ें यदि स्किन पर लगाई जाए तो काफ़ी हद तक आप झुर्रियों से बचे रहेंगे। दो, केला और एलोवेरा का मास्क लगाएं। इसके लिए एक केला और 2 चम्मच एलोवेरा जेल को एक कटोरी में मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे चेहरे पर आधा घंटा लगाएं, रखने के बाद धो लें। इसे हफ्ते में 2 बार लगाया जा सकता है। केले में स्किन फ्रेंडली तत्व पाए जाते हैं। इसमें कई विटामिन और तत्व जैसे कैरोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन सी और विटामिन ई होता है जो त्वचा को चमकदार और निखरा हुआ बनाता है। अगर आप एक केला नहीं लेना चाहते हैं तो आप आधी केला ले लें। 3, 3 या 4 चम्मच दही, 1 बड़ा चम्मच जैतून का तेल। जैतून का तेल और दही मिलाएं, धीरे धीरे इसका मिश्रण तैयार करें ताकि तेल और दही पूरी तरह से मिक्स हो जाएं। इसे अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं और 20 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर 20 मिनट बाद इसे हल्के गुनगुने पानी से धो लें। सप्ताह में 2 बार इस प्रक्रिया को दोहराएं और एक रिंकल्स फ्री त्वचा पाएं। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड और अन्य प्राकृतिक एंजाइम स्किन सेल्स को साफ करते हैं और उन्हें कसा हुआ रखते हैं। दही दाग धब्बे को भी कम करता है और आपकी त्वचा को चिकना और चमकदार भी बनाता है। वही दूसरी ओर जैतून का तेल विटामिन ए, डी, ई और के से समृद्ध है और इसका एंटीऑक्सीडेंट गुण सूर्य की यूवी किरणों से त्वचा को बचाता है। इसलिए ये फेस मास्क स्किन को युवा रखता है और महीन रेखाओं और झुर्रियों को कम करता है। तो आप इस फेस मास्क को भी जरूर अपनाएं, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। 4, सेव। झुर्रियों को दूर करने के लिए आप कच्चे सेव को पीस कर भी चेहरे पर लगा सकते हैं। 10 से 15 मिनट तक इसे लगे चेहरे पर लगा रखें और फिर चेहरे को पोंछ लें। ऐसा करने से चेहरे पर मौजूद झुर्रियाँ कम हो जाएगी। 5, चेहरे पर ऐसे लगाएं आलू। चेहरे की झुर्रियों को दूर करने के लिए 2 चम्मच आलू का स्टार्च और थोड़ा सा पानी लें। दोनों को मिलाकर पूरे चेहरे पर लगाएं और इसके बाद इसे 20 मिनट तक लगे रहने दें। फिर गुनगुने पानी से धो लें। हफ्ते में 3 दिन तक कर लें। चेहरे की झुर्रियाँ कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आलू आप हफ्ते में दो बार ही लगाएं। अगर आपको सूट नहीं करता है तो ना लगाएं। 6, गाजर और ककड़ी। पानी कम पीने की वजह से भी झुर्रियों की समस्या हो सकती है, इसलिए स्किन को पोषण और नमी देना बहुत जरूरी होता है। एंटी एजिंग से छुटकारा पाने के लिए आप गाजर और ककड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजर और ककड़ी दोनों को मिलाकर पीस लें और नींबू मिलाकर चेहरे पर लगाएं। ध्यान रखें नींबू की क्वांटिटी 1 या 2 बूंद ही रखें। 7, ऑयल मसाज करें। जिस तरह तेल से बालों की मालिश करना जरूरी होता है, उसी तरह चेहरे की भी ऑयल मसाज की जानी चाहिए। ऑयल मसाज करने से चेहरे में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, साथ ही कोलेजन के उत्पादन को भी बढ़ावा मिलता है। ऑयल मसाज करने से आपके चेहरे से झुर्रियाँ और फाइन लाइंस रिमूव हो जाती है। इसके लिए आप बादाम का तेल, नारियल का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोने से पहले आप 5 मिनट के लिए रोजाना इस तेल से मालिश करें, आपके कभी भी झुर्रियाँ नहीं आएगी। काफ़ी हद तक आप झुर्रियों से बचे रहेंगे। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।